हेलो एवरीवन। तो ये अशोक लीलैंड का CRDI इंजन है और यहाँ पे ये इंजेक्टर्स लगे हुए हैं। 6 सिलेंडर का इंजन है, कॉमन रेल इंजन है। अशोक लीलैंड की 4923 गाड़ी है ये। तो इसमें रेल काफ़ी लंबी दे रखी है। रेल के ऊपर यहाँ पे ये सेंसर लगा हुआ है, प्रेशर सेंसर, और वापसी इसमें ऊपर ही है। वापसी की लाइन ये प्रेशर सेंसर है, ये बताता है रेल के अंदर कितना प्रेशर बन रहा है। रेल में से 2 पाइप जो है वो पंप के ऊपर जाते हैं, और ये वापसी की टी है, जो इंजेक्टरों की वापसी, रेल की वापसी और फिल्टर की वापसी है, वो इसी में से आती है। तो ये इंजन है पूरा 230 हॉर्स पावर का। यहाँ पे टर्बो चार्जर बड़ा सा लगा हुआ है इसमें, ये वाला मैनिफोल्ड में देता है। और ये पीछे से साइलेंसर की तरफ से जो कनेक्शन है टर्बो का, जो गर्म हिस्सा है, वो अगर टर्बो जाम हो जाए तो गाड़ी में खिंचाई नहीं रहेगी कैसे भी। तो अभी इस गाड़ी में जो है इंजेक्टरों में प्रॉब्लम थी, हमने इंजेक्टर्स निकाल दिए थे और रिपेयर कर दिए इंजेक्टर। अब हम इसमें लगाएंगे, आपको दिखाएंगे किस तरीके से इसमें फिट होता है इंजेक्टर। तो इंजेक्टर को फिट करने से पहले हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि हमें हेड जो है इंजन का, वो बहुत ही अच्छे से साफ़ करना होता है। ये देखिए, यहाँ इंजेक्टर के ऊपर जो वॉशर लगती है, उसमें वॉशर लगाने से पहले ग्रीस लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वॉशर हो सकता है निकल जाए। तो बहुत अच्छे से आपको वॉशर लगानी है, और ध्यान रखें हमेशा नई वॉशर लगाएं, क्योंकि अगर आप नई वॉशर नहीं लगाओगे तो इंजन के अंदर का कंप्रेशन बाहर निकलता रहेगा। इंजेक्टर अगर आपने रिपेयर किए हैं, तो ये देखिए फिल्टर भी हमने नया रखा हुआ है बगल में, तो फिल्टर भी नया लगाना ज़रूरी है ताकि इंजेक्टरों तक कचरा ना जा पाए। तो ये वाला फिल्टर आपको ज़रूर बदलना है, और अगर हो सके तो टैंक भी उसका साफ़ कराइए, और नया डीजल, अगर डीजल कम हो टैंक में तो आप डीजल भी डलवाएं। ये देखिए यहाँ पे कॉपर की वॉशर लगी है ऊपर, इसको हमने ग्रीस लगा के चिपकाया है अच्छे से ताकि ये फिट करते वक्त निकल ना जाए। अब बड़ा क्लियर आ रहा है, तो अब आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये हमने इंजेक्टर रिपेयर किया, इसके नोज़ल हमने नए डाले हैं क्योंकि इसमें एवरेज बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो एवरेज लाने के लिए हमें इसका नोज़ल सारे चेंज करने पड़े, नोज़ल्स अच्छे से प्रॉपरली अपना तेल नहीं दे रहे थे। इस तरीके से देखिए हेड को साफ़ किया जाता है, हेड के अंदर जहाँ पे इंजेक्टर फिट होता है, कपड़े से, स्क्रू ड्राइवर से अच्छे से उसकी मैल निकाल दी जाती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने तो काम कर दिया नया, लेकिन हो सकता है आपसे पहले जिसने काम किया हो अच्छे से ना किया हो, तो अंदर डबल वॉशर रखी हो या इस तरह की कोई चीज़ हो कि बहुत ही ज़्यादा गंदगी है, इंजेक्टर पूरा नीचे बैठ ही नहीं पा रहा है, ज़बरदस्ती कस दिया गया हो। क्योंकि ये सारी जितनी भी गाड़ियां हैं, लीलैंड, आइशर, टाटा खास करके, तो वो सब कुछ बिल्कुल फिटिंग एकदम ओरिजिनल वे में उनको चाहिए होती है। ये नहीं कि आपने गंदगी में ही फिट करवा दिए अपना काम करवा के, तो ये बहुत ही गलत हो जाता है। तो हर एक पॉइंट जहाँ पे इंजेक्टर बैठता है उसको अच्छे से साफ़ करेंगे, और अच्छे से साफ़ करने के बाद ही हम इंजेक्टर लगाएंगे। इंजेक्टरों में रबर रिंग भी होती है, तो वो भी आप ध्यान रखें, कहीं आपने फिट करते समय ध्यान नहीं दिया कि रबर रिंग नहीं है उसमें, क्योंकि रबर रिंग लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए इस तरीके से इसको डाल के घुमा घुमा के, ये नहीं कि डाल के ऊपर नीचे आप कर रहे हैं, इसको आपको घुमाना पड़ता है। तो घुमाएंगे तो सारा कचरा जो है वो साथ में बाहर निकल आता है। तो इंजेक्टर हमने सारे फिट कर दिए लगभग, बस ये एक इंजेक्टर रह गया। ये दिखाते हैं हम आपको ये किस तरीके से फिट होते हैं। तो इंजेक्टर को लगाने के बाद ये इंजेक्टर का क्लैंप भी, ये क्लैंप है बगल में, तो ये देखिए अभी इंजेक्टर को थोड़ा नीचे पुश किया जा रहा है, देखिए नीचे चला गया। और नीचे जब चला जाएगा तो इस पर जो पाइप है, हाई प्रेशर पाइप जो रेल से कनेक्ट कर रहा है, वो लगा दिया जाता है। साथ ही में इसका ये जो नट है ये भी फुल टाइट कर दिया जाता है, क्लैंप का नट, ताकि इंजेक्टर अपनी जगह से हिले ना। अगर वो हिलता रहेगा तो फिर वो काम ही नहीं करेगा, जब हिलेगा तो ऊपर नीचे भी होगा, ऊपर नीचे होगा तो कॉपर की जो वॉशर है वो अपनी जगह छोड़ेगी, कंप्रेशन लीक हो जाएगा। टाइट करने से बिल्कुल एक ही जगह टिका रहेगा, और उसके बाद ही हम पाइप को जो है फुल टाइट करेंगे। जो CRDI गाड़ियों में बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जो है संभल के काम करना ज़रूरी है।
अब जैसे ये मान लीजिए हम पाइप भी कस रहे हैं, तो पाइप को कसते वक्त बहुत ध्यान रखना पाइप सीधा ही चढ़े, क्योंकि पाइप अगर टेढ़ा चढ़ गया तो चूड़ी ख़राब हो जाएगी इंजेक्टर की, या तो इंजेक्टर की ख़राब होगी या फिर दूसरी तरफ से अगर टेढ़ा चढ़ गया तो रेल की ख़राब हो जाएगी। रेल की अगर एक भी चूड़ी ख़राब हुई तो इसका मतलब वो रेल बदली जाएगी, और रेल सस्ती नहीं आती है। कोई भी रेल जो ट्रक की है वो मेरे हिसाब से 14-15 या 20 हज़ार तक की आपको पड़ती है। तो रेल का खास करके ध्यान रखना है कि रेल की चूड़ी ना ख़राब हो। इंजेक्टर की तो खैर टी बदल जाती है मेन पाइप वाली, तो वो टी बदल के भी काम हो जाएगा। अब जैसे ये इंजेक्टर फुल टाइट पहले कर दिया था लेकिन पाइप नहीं लग रहा, तो अब इसको दोबारा लूज़ करके ऐसे मोड़ा जाएगा कि पाइप पहले हम ढीली चूड़ी ढीले हाथ से कस दें और फिर उसके बाद उसको फुल टाइट किया जाएगा। तो ये फिटिंग के वक्त ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि एकदम से आपको इंजेक्टर कसना नहीं है, आपको पहले पाइप ढीले हाथ से जैसे अभी हमने कस दिया है वैसे आप चढ़ा दें चूड़ी अच्छे से, और उसके बाद ही उसको फोल्ड टाइट करें। ऊपर सेंसर के जो वायर लगती है जहाँ आप अभी देख रहे हैं ये दो पॉइंट, तो इसकी पोलैरिटी कोई वैसे आप बहुत अच्छा है कि अगर आप पोलैरिटी देख रहे हैं, लेकिन अगर पोलैरिटी नहीं देखी है सेंसर घूम गया तो कोई बात नहीं, वो तो सोलेनॉइड है, एक तरफ से करंट जाएगा दूसरी तरफ से निकल जाएगा और बीच में उसके लोहा ही है, तो सोलेनॉइड कैसे भी डायरेक्शन में बने करंट ऐसे जाए या वहाँ से जाए लोहा बीच में खींचेगा ही खींचेगा, लोहे के अंदर का पिस्टन होता है तो खींचेगा ही खींचेगा। तो पोलैरिटी कोई इसमें आपको देखनी नहीं है, क्योंकि कई लोगों का सवाल होता है कि पोलैरिटी अगर तार उल्टे लग गए तो क्या, कुछ नहीं होगा। बाकी हमें एक चीज़ का ध्यान और रखना है, सीआरडी गाड़ी कोई भी हो उसे हमें पानी से नहीं साफ़ करना है, पानी से इंजन को नहीं धोना है, क्योंकि क्या होता है इंजन के ऊपर बहुत सारी ग्राउंड की वायर होती हैं तो उस पर पानी पड़ जाता है। अक्सर क्या होता है जैसे इंजन धुलता है उसके बाद तुरंत ही इंजन स्टार्ट कर देते हैं, इंजन इंजन स्टार्ट हो स्टार्ट गया करने है, से क्या होता बहुत है ही वो अच्छा ग्राउंड साउंड शॉर्ट है हो इंजन जाता है का। और वायरिंग में और मिस्टेक कोई भी आ इसमें जाती मिसिंग है नहीं है, जिसके कारण स्टार्ट गाड़ी करने के बाद चलाने में आपको ये दिक्कत आती ज़रूर है। ध्यान रखना है कि लीकेज आप ज़रूर देखें, क्योंकि अक्सर यही होता है गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो हमें लगता है सब कुछ सही है तो गाड़ी चली जाती है वहाँ से, बट हमें लीकेज का ख्याल ख़ास तौर पर रखना चाहिए। और इसके बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ साइलेंसर की तरफ से, साइलेंसर की तरफ से बिल्कुल भी धुआं आपको नहीं दिखेगा इसमें, अगर कोई मिस्टेक होगी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में तो आपको धुआं दिखेगा। देखिए बिल्कुल गाड़ी रेस है हमारी बट धुआं कैसा भी नहीं है साइलेंसर से, तो यही चीज़ होनी चाहिए इसमें। अगर धुआं आता है ब्लैक वाइट तो यानी गाड़ी आपकी कहीं ना कहीं मिसिंग कर रही है, या कोई ना कोई इशू है अभी भी आपके फ्यूल सिस्टम में, वो अच्छे से रिपेयर नहीं हुआ है। उसको आप अगर रिपेयर कराएं तो ओरिजिनल यानी एजेंसी में ही आपको रिपेयर कराना है। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा वीडियो से, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। थैंक यू।